मैं तानाजी केसरे मुंबई अंधेरी ईस्ट मुंबई नंबर 93 से बात कर रहा हूँ। हमारे विभाग में 2005 में पुनर्वसन झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प का काम शुरू किया गया। ये जो जगह है MIDC की जगह है, MIDC के ऐसे मुंबई के अंदर 9 पॉकेट्स है, उसमें यह हमारा पॉकेट नंबर 9 नंबर है। जब इस विभाग में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तभी इस एरिया के अंदर 750-800 लोगों का सर्वे किया था बिल्डर और MIDC अधिकारी लोगों ने। उसमें मेरे भी 2 घर थे, उनका भी सर्वे हुआ था। सर्वे के हिसाब से इन लोगों ने लोगों का पुनर्वसन कर लिया, मगर मेरे जो 2 घर थे उनको कोर्ट का आधार लेकर, मतलब मुझे कोर्ट में जाने का कहा और कोर्ट का आधार लेकर इन लोगों ने मेरे को बेघर करने का पूरा प्रयास किया। कोर्ट में गया तो कोर्ट का जो स्टैंड था इन लोगों ने जिया था कोर्ट के लिए, तो वो स्टैंड के ऊपर 90 दिन के अंदर उनकी जो फॉर्मेलिटी थी इन लोगों ने मेरे ऊपर कंडीशन डाल के पूरी करने की थी, और 90 दिन के अंदर अगर फॉर्मेलिटी पूरी हम करते हैं तो ये हम एलिजिबल हो जाते हैं, नहीं तो हम उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ इस प्रकरण में उन्होंने मेरे ऊपर जो भी कंडीशन डाली थी वो मैंने पूरी कर ली थी, और उस कंडीशन पूरी करने के लिए मैं 2010 से लेकर आज 2022 और 2005 से पहले 2010 तक वो 5 साल ऐसे मिलकर 17 साल से मैं अकेला इस सरकारी सिस्टम के साथ लड़ रहा हूँ, अभी तक मेरा पुनर्वसन नहीं हुआ। क्योंकि बृहन्मुंबई के जिलाधिकारी निधि चौधरी, निष्कासित विभाग के अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास नाईक और रेसिडेंशियल विभाग के जिलाधिकारी मिस्टर गुगे साहब, इन सभी अधिकारियों के लिखित लेटर या आदेश इन लोगों को ऐसे है कि इस तानाजी केसरे का पुनर्वसन किया जाए। दूसरी बात, 2020 में मैंने PMO कार्यालय में भी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, वहाँ से भी ऐसा आदेश आया कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी निष्कासित किया जाए और उसका पुनर्वसन किया जाए। और ये सब होने के बावजूद भी MIDC अधिकारी मिस्टर ये जोगदंड निकाल जे, और जिस टाइम ये प्रकरण जब कोर्ट में गया था उस टाइम के उप अभियंता मिस्टर ननावरे, ये लोगों ने आज तक कुछ किया ही नहीं, और ये सब पूरा प्रकरण जो था है वो सब दबा के रखा। तो इसके लिए मित्रों, ये मेरा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे जैसे से कितने तानाजी हैं कि जो इनके चक्कर में या इनके फेवर में फंस चुके हैं, तो इसके लिए ये मेरा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। अपनी देश की न्यायपालिका है, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके तक भी जाना चाहिए, कि उनका भी एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस तरह से ये मेरा वीडियो शेयर करें। जय हिंद।